गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर टीचर संजय नाग। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास बनाना ड्रॉ करना सीखे थे। आज हम लोग इस बनाने में किस तरह से कलर करना है वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डीप येल्लो का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे कर रहा हूँ, डीप येल्लो है ये, और आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं जो जो पोर्शन में कर रहा हूँ, आप लोग को भी बनाना में वही वही पोर्शन में ही कलर को करना है। आप बहुत ध्यान से देखिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए कलर, कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं जहाँ जहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग भी धीरे धीरे वहीं वहीं पे कीजिएगा। तो हम लोगों ने डीप येलो से बनाना को भर लिया है। अब देखिए, आप बनाने में वाइट पोर्शन है, इसको हम लोग मीडियम येलो से भरेंगे। मैंने पहले डीप येलो का यूज़ किया, उसके बाद मीडियम येलो से इसको मिक्स कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग कीजिए। तो देख सकते हैं ये हो गया है। अब हम लोग इसमें लाइट ब्राउन से शेडिंग करेंगे। जैसे बनाने में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे डार्क स्पॉट होते हैं ना, उसी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे डार्क स्पॉट्स को, और शेडिंग भी करेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं जहाँ जहाँ पे कर रहा हूँ आपको ये उसी उसी जगह पे करना है। अगर आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया तो ये ख़राब भी हो सकता है। ज़्यादा मत कीजिएगा, बिल्कुल कम ही करना है, और कलर को ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। जहाँ पे प्रेस करने का ज़रूरत है वहीं पे प्रेस कीजिए, और वहाँ बाकी जगह में लाइट लाइट कीजिए। देखिए आप, मैंने कहीं कहीं पे डार्क किया है और बाकी जगह में लाइट ही किया है। अब हम लोग इसमें ब्लैक से आउटलाइन करेंगे। ब्लैक से आउटलाइन को भी इसी तरह से करेंगे कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ब्लैक का यूज़ करेंगे। ब्लैक का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो भी इससे ख़राब ही दिखेगा। तो इस तरह से बच्चों बनाने को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बच्चों। ओके, गुड बाय।